यहाँ की फेमस मलइयो। हाँ, ये कैसे बनती है भैया? ये दूध को उबाल कर हम लोग रात में जो है छत पर रखते हैं। छत पे रखते हैं, फॉग गिरता है कोहरा, उसके बूंदों से ये बनता है। ये सिर्फ 2 से 3 महीना बनता ही है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि खाली 2-3 महीना बनता है, तो धनतेरस वाले दिन से बनता है। तो ये इसमें क्या रात का कोहरा गिरना चाहिए तब बनता है? गिरेगा तभी ये बनेगा। तो ये दूध से अपने आप ही ऐसे बन जाता है? कोहरा गिरने फेंटा जाता है मॉर्निंग में। अच्छा, पहले फेंटते हैं या बाद में फेंटते हैं कोहरा? पहले फेंटते हैं फिर रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, दूध को रात में ही 2 बजे कढ़ाई में डाल के कोहरे में फेंटा जाता है। अच्छा, कोहरे में बैठ के फेंटा जाता है? कितने देर तक? 2 घंटा। 2 घंटा सर हाथ से ही फेंटते हैं? मशीनों से नहीं? नहीं, तो हाथ नहीं दुख जाते? ये तो खानदानी आदत है, ये एक्सरसाइज भी है। अच्छा अच्छा, ये खानदानी है आपका? हाँ, मलइयो हर कोई नहीं बना पाता होगा ना? आपको बनारस में ही मिलेगा? हाँ, ये तो मेरे को पता है, बनारस में ही मिलती है मलइयो। आपका नाम क्या है? रवि यादव जी की ये देखिए मलइयो, ये यहाँ जाम कहाँ? माँ चंद्र घंटा द्वार के नीचे। माँ चंद्र, अच्छा ये चंद्र माता घंटा मंदिर है, इसका ये द्वार है, ये पतली सी गली है जहाँ से मंदिर जाते हैं। बनारस तो गलियों का शहर है, तो सब जगह जाने के लिए गलियाँ चाहिए। उसके बिल्कुल बाहर ये खड़े हैं रवि यादव, जिन ये मलइयो बेच रहे हैं।